خالدين فيها مصابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا لايف نہیں ہے ابھی ان لوگوں نے لنک بھیج دیا میرے وہاں تو بیٹھے رہیں گے کہ ट्राइपॉड है मेरे, वो कैमरे वाला है, फोन नहीं ले रहा। शिव वैष्णवी
अली वो मर्द है जिसकी जवानी और हुब्बे अली हयात है, हुब्बे अली है मौत। हुब्बे अली हयात है, हुब्बे अली है मौत, ये कौले मुस्तफा की क्या तूने पढ़ा नहीं, ये कौले मुस्तफा की क्या तूने पढ़ा नहीं, और छूटे जहां तो छूटे न छूटे अली का दर। जो इसको इसको कमाले शह नाम कहूं फिर तो क्या कहूं, इसको कमाले शह नाम कहूं फिर तो क्या कहूं, अरे चलता रहा मैं छोरों पे फिर भी जला नहीं, चलता रहा मैं छोरों पे फिर भी जला नहीं, और दोजख की आग क्या भला हमको जलाए, दोजख की आग क्या भला हमको जलाएगी। किया नहीं और कहता रहे जहां रजी अल्लाह तो क्या हुआ, कहता रहे जहां रजी अल्लाह तो क्या हुआ, अरे नाराज कर बतूल तो राजी खुदा नहीं, नाराज कर बतूल तो राजी खुदा नहीं, और दावा बिना दलील के रखता नहीं बेटा, दावा बिना दलील के रखता नहीं दम, अरे सर कर गया हुसैन का लेकिन झुका नहीं, सर कर गया हुसैन का लेकिन झुका नहीं, औरों का पंचतन से तकाबुल न कीजिए, रुतबे है कोई आले एवा से बड़ा नहीं, तो शेखी और नहमत है वो तुमको बख्शवाएंगे, मुमकिन कहाँ है शेर, वो तुमको बख्शवाएंगे मुमकिन कहाँ है शेर, अरे तहरा की बद्दुआ से जो कुदी पता नहीं, तहरा की बद्दुआ से जो कुदी पता नहीं, और जो मुनकिरे बदूर है जो जो है मुक्तियों ऐसे बशर से कोई मेरा वास्ता नहीं, ऐसे बाबा जब नारे सर्वा एहसान साहब मोहम्मद
इस्लामी की आयत मां कि जिसमें जाते पैगंबर को बता दिया था कि तुम्हारे परवरदिगार का ये फैसला है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और दूसरा टुकड़ा है वो बाहर मौसम से आप रखता है कि बबीन वाले एहसान अपने वाले के साथ क्या किसी का तर्जुमा मौजूद अपने वाले के साथ इंसान अरबी और उर्दू में लफ्जी एतबार से तशाबुह रखता है मुमासिल रखता है माना के एतबार से बड़ा फर्क पड़ता है। लिहाजा अगर बिल वाले एहसाना का मजमा ये दिया जाए कि अपने वाले के साथ एहसान करो तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि एहसान के माना क्या है क्या जवाब दीजिएगा भाई एहसान के माना ये है कि आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें अच्छा सलूक करें और उसका कोई हक आपकी गर्दन में ना निकलता हो इसे कहते हैं एहसान। एक शख्स मुश्किल में गिरफ्तार है आप उसको मुश्किल से अब उसने आपसे कहा कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया चाहे वो माली जरूरत है आपको खबर होगी उसको माली जरूरत है आपने उसके लिए इंतजाम कर दिया या जिस्मानी तौर पर कोई जरूरत है भाई कोई काम को नहीं अंजाम दे पा रहा है आपको खबर होगी आप वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपने उस काम को अंजाम दे जवाब में भी कह रहा है कि आपने मेरी जात पे बहुत बड़ा एहसान किया यानी आपका कोई हक मेरी गर्दन पे नहीं था या मेरा कोई हक आपकी गर्दन पे नहीं था और उसके बावजूद जो है आप इंसानी हमदर्दी के तहत आते ही मनाने के बाद मेरे मुश्किल को हल कर देते हैं तो एहसान उर्दू में एहसान में इस्तेमाल होता उर्दू में एहसान के माना ये हुए कि आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें जिसका कोई हक आपकी गर्दन पे नहीं है इसको कहते हैं एहसान। ये जो माना है अरबी में इस माने लफ्ज से मिन्नत इस्तेमाल हुआ है चांचे आप देखिए सूरह बकरा में खालिक ने कहा है ना खिताब करता है और कहता है या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तक्तुलू सदाकतकुम बिल मन्नि वल अज़ा ऐ ईमान वालों अपनी भलाइयों को अपनी अच्छाइयों को अपने सदाकात को एहसान जतला कर यानी मिन्नत का लफ्ज आया है तो एहसान जतला कर और अजियत देकर खता खराब मत करो पाती मत करो एक इंसान की आप मदद भी कर रहे हैं और मदद करने के बाद आप उस पर अपना एहसान जतला रहे हैं तो ये एहसान जतलाना ये उस भलाई को बर्बाद कर देता है अच्छाई को खराब कर देता है तो बगैर एहसान जतलाए हुए बगैर अजियत दिए हुए लोगों के साथ उसने सुलूक करना है तो अरबी जबान में लफ्ज मिन्नत इस्तेमाल होता है जिस माना में उर्दू में एहसान इस्तेमाल होता है तो खुद अरबी ने एहसान के माने क्या हो गए कुरान में एक जगह नहीं मुतअद्दिद जगह के ऊपर लफ्ज एहसान आया है
दोनों जबानों के अंदर बजाय मुशाके हो लेकिन मन के एतबार से बात पाया जाता हो, तो सुनने वाला जो है उस लफ्ज को जब दूसरी जबान में सुनता है तो समझता है कि जिस जबान में उर्दू में इस्तेमाल होता है उसी जबान में जो है अरबी में इस्तेमाल होता है। जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, क्या भलाई का बदला सिर्फ और सिर्फ भलाई हो सकता है? नेकी का बदला सिर्फ और सिर्फ नेकी हो सकती है? एहसान कि मन अता अल हुसैन फकत अहसना अल नबी व फातिमा, जो सैयद शोदा हुसैन के ऊपर गिरिया करे उसने गोया के इमाम हुसैन के गिरिया करके जनाबे फातिमा और पैगंबर इस्लाम के ऊपर एहसान किया। अगर हुजू में आप तर्जुमा करेंगे तो यही होगा, कितना गलत तर्जुमा है भाई। कोई अगर रो रहा है, गिरिया कर रहा है इमाम हुसैन पे, तो क्या वो पैगंबर के साथ एहसान कर रहा है? क्या तर्जुमा किया है कुरान का कि जो इमाम हुसैन पे गिरिया करता है उसने पैगंबर और हजरत फातिमा के साथ उसने सुलूक किया, तो लफ्ज़ एहसान के माना क्या हुए? उसने सुलूक ने बर्बाव अरबी जबान में यह मानते हैं। अब आई इतनी तशरीह के बाद मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि वबिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन के साथ उस सुलूक को अच्छा बनाओ। क्या किसी के साथ अच्छा सलूक करें जिसका कोई हाल आप जाने नहीं आता? वालिदैन का मसला ऐसा है कि वालिदैन के साथ औलाद अगर कुछ सलूक कर रही है तो क्या वालिदैन का कोई हाल औलाद की गर्दन पे नहीं? कुरान की माना तो ये बता रहा है, कुरान किस माना की तस्दीक कर रहा है कि अपने वालिदैन के साथ भाई इबादत का अगर पारसी में तर्जुमा किया जाए तो परस्तिश,
और आसान बनाया जाए, क्या बनाओगे? क्या पूजा करेंगे? परस्पर इबादत मखसूस है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में, मगर बातें माना नहीं हो रहे तो परस्पर के माना क्या है? वो बहुत से लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीके इबादत के नाम से अंजाम दे रहे हैं, क्या हर तरीका बारगाह खुदावंदी का काबिल कबूल है? अल्लाह ने मुश्रिकीन अरब के हवाले से जिक्र किया है कुरान करीम के अंदर कि वो भी नमाज पढ़ते थे इस्लाम से पहले। भाई दौरे का ये थे उनकी नमाज क्या थी? कुरान कहता है वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्बीहा। खाने काबा के फिर वो नमाज पढ़ते थे, क्या नमाज थी उनकी? सीढ़ियां बनाना और खड़े रहना, ये थी नमाज। तो है कहिए आपको इबादत से ताबीर नहीं किया जा सकता कि ये इबादत बेवकूफी की हरकत है, बेवकूफी हरकत है। कोई अंजाम दे रहा है और उसको कह दे मैं इबादी सामान जान दे रहा हूं, इबादत सिर्फ और सिर्फ वही हो सकती है कि जो उसने हमको तालीम दी गई है इबादत, उसमें हमारा जाती इश्तिहार भी चलेगा कि हमारा जी चाह रहा है अल्लाह की इबादत करने का, लिहाजा जो है हम इस काम को इजाब कर रहे हैं और इस तरह से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं जो उसने हमको सिखा दिया है, इकरार कर रहा है, सजदे में जा रहा है, बना रहा है सारे कायनात को ताला दे रहा है। नहीं है कोई जात काबिल इहतराम, सिर्फ और सिर्फ इहतराम तुझको है, तू सजा रहा है, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। वाला कोई माबूद नहीं है, कोई लायक इबादत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से नाफिर अल्लाह के नाम से। वालदैन की इबादत हम करते हैं, हमने खुदा बनती है, लिहाजा हमको उनके एहतराम के किसी किस्म की कोई परवाह नहीं करना है। इस हुक्म की बजावरी ये इबादत है, वरना खुद बना है ना जो अल्लाह के सामने जिस जिल्लत का इजहार करते हैं उस जिल्लत का इजहार वाले के सामने नहीं करेंगे। हम अल्लाह के लिए रुकू करते हैं तो वाले के सामने भी रुकू की हालत में झूठ जाए, अल्लाह के लिए सजदा करते हैं तो वाले के एहतराम में सजदे में चले जाए। नहीं, ये मखसूस है सिर्फ असर बदलने का चाहे वो कोई एहतराम हो चाहे वो फिर एहतराम, मैं कोई एहतराम के हवाले से
सीने को सामने रखो, ये है तेरी एकरा और ये एकरा है क्योंकि आवाज से गलत तुम्हारी आवाज नहीं होना चाहिए। तेरी एकरा उनके सामने अपने सीने को ताने रखना, इतना गलत रखा की जा रही है और उसमें ये महसूस नहीं है कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है सिर्फ मोमिनों को, मुसलमानों को। अगर एक मुस्लिम है और एक शख्स है मुसलमान, तो क्या बात है मुस्लिम जो माँ बाप है उनके एहतराम नहीं करते? नहीं। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम की है और खुद बेटा जो है और औलाद जो है मुसलमान है तो उस पर लाजिम है अपने माँ बाप का एहतराम है। कुरान ने जहां वालिदैन के एहतराम के हवाले से गुफ्तगू की, उनके हक को बयान किया, वहां के ऊपर यह भी बयान कर दिया है कि भाई जा हरका अगर ये दोनों कोशिश करें कि तुम हमारी जात में शरीक करार दो, तुमको मुशरिक बनाने की कोशिश करें, फला तुम्हें हमारा फलादार करेंगेदार करेंगे तेरे लिए इस इताअत के मुस्ताह नहीं इस मसले में। वह सिर्फ दुनिया में, लेकिन दुनिया में इनके साथ उसमें सलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है। अकीदे का इख्तलाफ इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम उनके एहतराम में किसी दुश्मन को बधाई करें। अकीदा एक अलग चीज है, यह आपका अपना मसला है, लेकिन अकीदे का इख्तलाफ इस बात की इजाजत का अंत नहीं देता है कि हम और आप जो है उनके एहतराम को बाधा करें। सूरह मुनाफिकून किया चार नुज़ूल के हवाले से भी इधर सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुआ तो क्या क्या चार नुज़ूल मुहासिरीन ये बयान करते हैं कि जंग में कभी मुस्तला की जाने जनाब पैगंबर इस्लाम अपने असहाब के साथ जाए और एक जगह तवक्कुफ किया उनके, तो एक कुएं के ऊपर पैगंबर के असहाब पानी पीने के लिए गए, वहां पानी का जखीरा भी अपने साथ चाहते थे जमा कर, चुनाचे वहां एक छोटे से मसले के ऊपर जो है आपस में झगड़ा शुरू हो गया मुहाजिरीन और अंसार का। जो मुहाजिर था उसने आवाज दी या अली मुहाजिरीन, जो अंसारी था उसने आवाज दी या अली अंसार। नतीजा यह है कि मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे की मदद के लिए आए और इख्तलाफ इतना ज्यादा बढ़ा कि जो मुनाफिकीन का सरगना है अब्दुल्लाह इब्ने उबै, भाई अब्दुल्लाह इब्ने उबै का मसला ऐसा नहीं है कि भाई हमारे नजदीक बुरा है और दूसरों के नजदीक अच्छा है, नहीं, अरे वो तो मुस्लिम जो है उसका इत्तेफाक रखती है मुसल्लम होना चाहिए अब्दुल्लाह इब्ने उबै, उसने एक खतरा कहा ये जलील को इन्हें इशारा देना के तरह बड़े इस्लाम इनको हमने अपने घरों में रहने की जगह दी, आज जो है ये हम पर हमको आगे दिखाते हैं और बताते हैं, लिहाजा हम साहिबान इज्जत जब मदीने वापस रहेंगे तो इन दलील और पास लोगों को मदीने से बाहर निकालेंगे। वो आपस में ये गुफ्तगू कर रहा था, जैद ने आतम के जो एक जवान थे उन्हीं ने ये बात सुना और ध्यान से सुनने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने इस्लाम से कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उबै आपके मुकाबले कैसे जुमले कह रहा है। चुनांचे जनाब पैगंबर इस्लाम को बहुत ज्यादा हृदय तकलीफ और पैगंबर के चेहरे के ऐसे कुछ असरात नुमाया हुए जिससे असहाब ने सवाल किए कि या रसूलल्लाह किसी ने आपको रंजीदा किया है, अगर मुहाजिरीन में से है तो आप हमें बताइए हम जो है उसको सजा देंगे। साथ ही में उबादा को अंसार के सरदार थे वो आगे बढ़े थे या रसूलल्लाह अगर अंसार में से कोई शख्स है जिसने आपको रंजीदा किया है तकलीफ पहुंचाई है तो आप हमें खबर लीजिए हम उसको सजा देंगे। तो बहुत इसरार किया तो पैगंबर ने कहा कि मेरे मुकाबले को है फलां शख्स ने ऐसा जुमला कहा है कि हम साहिबान इज्जत उसने अपने को साहिबान इज्जत शुमार किया और मुझे जहीर किया। चुनाचे ने उसको बुलाया अब्दुल्लाह ने उन्हें अनुसार में सब तो तुमने ऐसा कहा
उसने साफ़ इनकार कि नहीं खाल है मेरे पे इल्जाम है, मैं बोला पैगंबर के सिलसिले में ऐसी बात कह सकता हूँ। नतीजा ये है कि ज़ैद बिन अरकम जो एक जवान थे, लोग थे उनकी सरदारी करने लगे, तुमने अंसार के एक अहम शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगाया, उसको तुम गुस्सा करना चाहते थे, तुम कितना धोखा करना चाहते हो, डांटना भटकाने लगे। और ज़ैद बिन अरकम ने खुदा से मुनाजात की कि परवरदिगार इस वाक़े का या तो मैं गवाह हूँ या तू गवाह है, मेरे और तेरे अलावा कोई गवाह नहीं, मैं अपने सच को कैसे साबित करूं। उस मौके के ऊपर सुलेमान नामी नाज़िल हुआ। रवायत कहती है कि पैगंबर सारी उम्र बैठे थे उसी हालत में, वही नाज़िल हो रही है। अगर वही नाज़िल हुई तो वही की संगीत की बुनियाद पर पैगंबर का नाम वही हुआ बैठ गया और पैगंबर पसीने में शराब हो रहे हैं और उस पर सुलेमान नामी नाज़िल हो रहा है और पूरा सुलेमान नामी इसके अंदर इब्तिदा हो रही है। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफे चूके। उसके बाद वो बॉय वापस लौटेंगे तो हम सारे इन गरीब लोगों को मुझे वही के जरिए से ज़ैद बिन अरकम की तारीफ होगी। अब आप देखिए ऐसा मुनाफे शख्स अब्दुल्ला के लिए उबैद जिसका बेटा अब्दुल्ला उसका भी नाम अब्दुल्ला, लेकिन वो देखते हो जब ये वही खबर के देखते हो होती है तो ज़ैद हज़ब में अपने पाप का गरिबान करता है, कहता है तू सारे इज्जत है या फूल सारे इज्जत है, मैं तुझे मदीने में भी जाने दूंगा। उसने आके रसूलुल्लाह से शिकायत की या रसूलुल्लाह देखिए मेरा लड़का मुझको मदीने में आने नहीं दे रहा है, तू फिर आता है मेरे रसूल ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे आप इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप को अपनी तलवार से कत्ल कर दूं, जो आपकी शान में गुस्ताखी करे वो इस लायक है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी तलवार से अपने बाप को कत्ल कर दूं, क्योंकि जो गुस्ताखी कर रहा है अगर की शान में वो वाजिब उल्हक है। आप किसी और से अगर कहें कि इसको कत्ल करो तो हो सकता है मैं अपने बाप के कातिल को देखूं तो मेरे दिल में उसके हवाले से खिला पैदा हो, इस फरीजे को मैं अंजाम देना चाहता। आप मुझे हुक्म दें क्या फरमाते हैं रहमतुल्लाह, मैं अपने बाप के मामले को खुदा के हवाले छोड़ो, हमारे पे लाजिम है कि उसके साथ दुनिया में उसने सुलूक करो अच्छा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जाने ऐसा होना है। अकीदे का इख्तलाफ है, मुनाफे आदमी है जो रसूलुल्लाह के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहा है, बेटा जो मोमिन है वो आगे कह रहा है कि आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप को कत्ल कर दूं। अब पैगंबर इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं, मैं अपने बाप के साथ उसने सुलूक करो अच्छा बताओ। तो वाले अगर गैर मुस्लिम है तो इसके माने नहीं है कि उनके इंतजाम में कमी कीजिए, उनका हक नहीं रहा है। देखिए हक का मसला जहां पर रहता है तो हक तरह में नहीं होता है कि अगर वालिदैन का हक हमारी गर्दन में है तो हमारा हक उनकी गर्दन में, कोई दुनिया का ऐसा हक नहीं है कि जो तरफेनी हो। हक के माने ये है कि अल हक यतहक्कक मिन तरफेन, हक खारे में होता है दो तरफों की दुनिया में, भाई हाकिम का अगर हक रियाया के ऊपर है तो रियाया का हक हाकिम
मानवीयत को गलत करने के लिए, इनके एहतसाब को ऊंचा करने के लिए, इनके दरमियान अमीयत फराहम करने के लिए, इनको शहरी हुकूमत अदा करने के लिए, वो सारी चीजें जो इनका हक है, हाकिम उस हक को अदा करे। वैसे वालिदैन का मसला है कि वालिदैन का एक हक हमारी गर्दन में है और जवाबन हमारा हक हमारे गर्दन में है। वालिदैन के हुकूक के हवाले से अगर कुरान ने कहा है, क्योंकि बाहर एक पहलू को बयान करना और दूसरे पहलू को न बयान करना, इससे बहुत से मसाइल दुनिया में आते हैं। उस्ताद का अगर शागिर्द है तो शागिर्द का उस्ताद को दोनों के लोग की रहने को रखेंगे। उस्ताद को चाहिए कि वो अपने हाथ पता करे, शागिर्द को चाहिए कि वो अपने हाथ पता करे। ऐसे वालिदैन का मसला है कि वालिदैन का हक औलाद की गर्दन पे है, औलाद का हक वालिदैन की गर्दन के ऊपर है। वालिदैन के ऊपर लाजिम है कि वो औलाद के हक को अदा करें, और औलाद के ऊपर लाजिम है कि वो वालिदैन के हक को अदा करें। फर्ज कीजिए कि ये जो दो हक हैं, इनमें से कोई एक अपने हक को ना रखे। मिसाल के तौर पे औलादें जो है वो शिकवा करें कि वालिदैन को उनके हक को नहीं अदा किया। होता है सवाल समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर उसकी मिसालें होती हैं कि वालिदैन ने अपनी औलादों के हक को नहीं अदा किया, उनकी तरबियत में कोई किरदार अदा नहीं, उनके पढ़ाई के हवाले से कोई तवज्जो नहीं, उनके रिश्त और तामीन माश बिल्कुल नहीं किया, कोई हक नहीं अदा किया, तो क्या यहां के ऊपर औलाद जब शिकवा कर देगी कि मेरे वालिदैन ने मेरे हक को नहीं अदा किया? जवाबन वालिदैन का जो हक इसकी गर्दन के ऊपर है वो साबित हो जाएगा। और ये कह सकती है कि जब मेरे माँ बाप ने मेरे हक को नहीं अदा किया तो मैं भी हक सकता हूं कि मैं इनके हक चश्मोशी कर ले और बुजुर्ग के तौर पर यह पेश करे कि फलाने मेरे हक को नहीं अदा। अगर मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर ये चीजें राइज हो जाएंगी तो फसाद पैदा हो जाएगा। जिसने अपने हक को नहीं अदा किया है उसके मामले को खुदा की सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बाहर दूसरे को अपने हक को अदा करना है। तो वालिदैन के हक को कुरान भी बयान कर रहा है, अहदीस ने औलाद के हक को बयान किया। अगर वालिदैन के हवाले से जिक्र किया जा रहा है, उनकी आवाज से ऊंची आवाज में करना, उनके सामने सीने बुलाना, उनका एहतराम एक दूसरे से भी कुछ दोहराया जा रहा, तो जवाबन औलाद का हक ही बयान किया जा रहा है कि अकरम औलाद अपनी औलाद का एहतराम करो। बहुत अहम चीज है कि वालिदैन अपने हक को बयान करें और औलाद के हक के हवाले से वो बेखबर। किसी बाप को या किसी माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपनी औलाद की तौहीन करे, बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्योंकि मसला तौहीन का मसला जो है आइंदा उसकी तरबियत में एक अहम किरदार अदा करता है, गलत को इंसान बन जाता है, मुआशरे और सोसाइटी को आपको एक अच्छा इंसान हवाले करता है। अगर एक गलत औलाद मुआशरे के हवाले की जा रही है, आपने मुआशरे और सोसाइटी को बहुत बड़ा जुल्म किया है। मन अतया नफ्सन फकअन्नमा अहया नास जमीअ, जिसने एक इंसान को जिंदगी बख्शी है उसने गोया के सारी इंसानियत को जिंदा किया। एक बेतरबियत औलाद अगर मुआशरे के हवाले की जा रही है, उसके माना क्या है कि आपने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। लिहाजा माँ बाप पर भी लाजिम है कि वो अपनी औलाद के हक को अदा करें। उसमें सबसे अहम चीज है अच्छी तरबियत, क्योंकि बाद लोग खुद उसूल तरबियत से बात करनी होते हैं, जो जवाब तरबियत के उससे बिल्कुल नाकाला होते हैं। एक जमाना था कि जब हमारे माशरे के अंदर और हमारी सोसाइटी में ये चीज राइज थी कि जितना ज्यादा बच्चे को मारा जाए
उतना ही जो है उसकी तरबियत नहीं है, चीज बड़ी मुआसर होती है। चुनाचे अगर कोई पढ़ाने वाला आता था तो उससे भी ये कह दिया जाता था, सिफारिश की जाती थी, जो ये हड्डियां हमारी है गोश्त आपका है, मैंने जो चाहे आपसे उठ कर नहीं देते। लेकिन असहनी तौर के ऊपर इंडिया ही गलत तरीका है उसूल तरबियत की तरह, कि अगर किसी बच्चे को बचपने से मारा जा रहा है बहुत ज्यादा पिटाई की जा रही है, आइंदा वो बहुत बड़े फलाने बन जाते हैं। लाशौरी तौर के ऊपर वो बच्चा इस बात का कायल हो जाएगा कि कोई उसको चाहता नहीं है, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता है। ऐसे बच्चे के सामने कोई झूठी मोहब्बत पेश करेगा वो बच्चा वो झूठी मोहब्बत का शिकार हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? का वो अफराद कि जो इसकी तरबियत कर रहे थे, जो मुरब्बी है, उन लोगों ने जो है इस बच्चे को इस मरहले के ऊपर पहुंचाया। तो औलाद की तरबियत एक अहम तरीन रुख, इसके मुताबिक अपने माँ बाप का हक है। अगर औलाद शिकवा कर रही है कि हमारे माँ बाप ने हमारा हक नहीं अदा किया, तो वहां के ऊपर बाहर उसका ये उज्र काबिल कबूल नहीं है कि वो अपने माँ बाप के हक पर बेपनाह एहतराम करना है, उनके हक को अदा करना है, उसने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं। एक दुआ है दो दुआएं हैं हजरत की, एक दुआ है वालिदैन के हक में और एक दुआ है औलाद के। ये दोनों दुआएं हैं, अगर कभी मौका मिले तो उसके तर्जुमे को पढ़िए। क्या दुआ है वालिदैन के हक में? फरमाते हैं मौला कि परवरदिगार मेरे दिल को मेरे माँ बाप के खौफ से भर दे, मैं अपने माँ बाप से ऐसे करूं जैसे जैसे एक जालिम और जाबिर बादशाह लड़ रहा है। जो शालिमी है सही है कामला के लोगों ने सवाल कराया, मौलाना ये तो दुआएं की कि परवरदिगार मेरे दिल को मेरे माँ बाप की मोहब्बत से भर दे। अगर बारगाह खुदा की ये दुआ को कर रहे हैं कि परवरदिगार मेरे दिल को मेरे माँ बाप के खौफ से भर दे, मैं उनसे ऐसे डरूं जैसे एक जालिम और जाबिर बादशाह से डरा जाता है, ये दुआ में कहा। फिर खुद जवाब दिया सवाल करेगा, एक मसला ये है कि जहां मोहब्बत का रास्ता होता है, मोहब्बत में जो महबूब है उसके हवाले से इंसान उसने नजर रखता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत उसकी नाफरमानी कर दूंगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी, वो मेरा कोई मुआवजा नहीं करेगा, उसको कोई सजा नहीं करेगा। लेकिन जहां मौत का पहलू होता है वहां के ऊपर एक लम्हे के लिए भी इशारा है कि मैं उस शख्स की मुखालिफत करूं जिससे वो डरता है। हजरत ने कहा कि मेरे दिल को मेरे माँ बाप के खौफ से भर दे, मैं अपने माँ बाप से ऐसे डरूं जैसे एक जालिम और जाबिर बादशाह से डरूं। अल्लाह हू अकबर, दुआ करते हैं कितना है आज इसके अंदर कसर के साथ आप देखिए रवायात में और खासतौर पर कुरान के अंदर भी वालिदैन के हक को बहुत बयान किया गया। और जो वालिदैन का मसला है वो बड़ा ही मसला है, क्योंकि एक इंसान अपनी औलाद से जिस तरह से मोहब्बत करता है और औलाद की तकलीफ से जिस तरह से तड़पता है, वैसे वालिदैन के हवाले से उसके दिल में बहुत जज्बा ही पैदा होता है। औलाद से जैसे सिलसिले में दरियात किया गया क्यों ऐसा मसला है कि वालिदैन की बीमारी के ऊपर एक इंसान उस तरह से नहीं तड़पता जैसे कि अपनी औलाद की बीमारी से तड़पता। देखिए इसका मसला ये है कि आज इंसानों के अंदर जितने भी जज्बात और एहसास हैं, ये सारे जज्बात और एहसास इंसानों ने मीरास में आजकल हासिल किए हैं हजरत आदम और हजरत हव्वा से। अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को औलाद दी थी, लिहाजा औलाद की मोहब्बत मीरास में है, मगर आदम और हव्वा बगैर मां बाप के थे, लिहाजा वो मां बाप की मोहब्बत जो है वो मीरास में नहीं है।
जो चीज मियास में आई है वहां के ऊपर उसके लिए खास जज्बा महसूस किया जाता है, लेकिन जो चीज मियास में नहीं आई है चुनांचे आहादीस में कसर के साथ उसके ऊपर बेपनाह जो है तवज्जो के अंदर खुलूस बरसा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ काम जाना है, क्योंकि अगर खुलूस बरसा रहा है दिखावे के लिए किया जा रहा है, खुसूसन भारी खुशियों के लिए इस काम का नाम दिया जा रहा है, वहां के ऊपर इंसान को कहने को रहा हम अच्छा कारण एक मोमिना है सारे सवाल के जनाब श्रीदाई पेरेंट्स बुजुर्ग हैं कुछ अच्छा मैं जिससे पहले जनाब श्रीदाई की जगह अंदर उनकी शामिल है एक मुकम्मल करना 18 साल की जिंदगी और इस 18 साल की जिंदगी में से गए आलमियान थे पता है कयामत तक आने वाले इंसानों को कि बाप की खिदमत कैसे करते, जबकि जनाब सैयदा की वालिदा जनाब खदीजा का जिस वक्त इंतकाल हुआ है उस वक्त कुल 5 साल, 5 साल की बच्ची इतनी बाशूर है कि जिस वक्त जनाब खदीजा रिलेट कर रही है उस वक्त जनाब सैयदा ही से वसीयत की थी कि बेटा तुम अपने बाप से ख्वाहिश करना कि वो अपने लिबास में मुझे कपड़ा दे। 5 साल की बच्ची अपनी मां से सवाल करती है आपने मेरे बाप के साथ जो शुरू किया है अपनी पूरी दौलत को लुटा लिया इस्लाम की तबलीग के लिए, ये ख्वाहिश तो आप ही कर सकती है, आप उससे क्यों फरमाइश कर रही हैं कि मैं अपने बाप से यह ख्वाहिश करूं कि बाबा आप अपने लिबास में मेरी मां को फरमाइश करें। 5 साल का है सर जनाब सैयदा का उस वक्त जनाब सैयदा हजरत खदीजा से यह सवाल कर रही है, इतनी अहम काम है क्या जनाब खदीजा ने वक्त आखिर मेरी बेटी की तरबियत में कितना अहम खतराई है जनाब खदीजा के जमाने से आगे होगा बेटा अगर मैं ख्वाहिश करूंगी तो दुनिया ये कहेगी कि एक बीवी ने अपने शौहर से ख्वाहिश की, वक्त आते उसकी ये ख्वाहिश वाली दौलत अगर शौहर से ख्वाहिश कर रही है दुनिया की नजदीक मांगेगी, लेकिन अगर तुम ये मुताबा करोगी तुम ये ख्वाहिश करोगी तो दुनिया की नजदीक ये चीज मायूम नहीं है मुस्तसन है, एक बेटी अपने बाप से मुताबा कर रही है, बच्चे को अपनी वालिद से मुकाबला करते हैं, अगर तुम कोई मुकाबला करते हैं तो उनके मुकाबले को पूरा किया जाता है, तो बेटा तुम यहां 5 साल के से जनाब खदीजा का जिस्मत इंतकाल हुआ और उसके बाद तैमूर के जन्म उन्होंने अंजाम दी जनाब शेर के लगा करार पाया उनने अभी अपने बाप की मां मां से कहा जाता है उसे कहा जाता है कि जब इंसान मुश्किलात में गिरफ्तार होता है तो उसकी जानिब रुजू करता है, पैगंबर कह रहे हैं ओ मेरा अलीहा ये अपने बाप की मां है, ये क्या माना है कि जब मैं मुश्किलात में गिरफ्तार होता हूं तो सुकून की तलाश में फातिमा की बात करता हूं, फातिमा की जात को है कि मुझे सुकून प्राप्त हो जब मैं क्योंकि वो माने ईसा है, लेकिन अगर साथ फातिमा को देखा जाए तो
दिल के नस्बते फादरान की जात के अंदर पाई जाती है। बदलाव है कि जो पैगंबर खातिम नबी अफजल मुर्सलीन की बेटी, बदलाव है कि जो सैयद औसिया अली इब्न अबी तालिब की सौजा, बदलाव है कि जो जवानाने जन्नत के सरदार उनकी मौलदा, ये खातून की जिंदगी में जो शोबे बढ़ते हैं वो सारे शोबे जनाब से ज्यादा क्या बढ़े। मैं कहता हूं एक चीज है कि अल्लाह ने जनाब से ज्यादा को ढाई लिहाजा ये कभी नहीं सकती। जनाब से ज्यादा ये नहीं बता सकती कि एक बहन को अपने भाई के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उसके लिए जरूरत है जानशीन पास। चुनांचे जनाब हुसैन ने इस मसले को पेश किया कि हाँ एक बहन को अपने भाई के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। क्या मोहब्बत है दोनों का, कैसी मोहब्बत है दोनों का, मासूम मुश्तरक है, चाहे जनाब हुसैन हो चाहे सैयद हुसैन हो, ये मोहब्बत जो है जो आज रुसवा हो चुकी है, एक गलत निगाह से देखी जा रही है, उस मोहब्बत की बात नहीं हो रही। मानवी मोहब्बत है, कमाल के ऊपर मुश्तमिल मोहब्बत है, मानवी अल्लाह के ऊपर ये मोहब्बत मुश्तमिल है। यहां से जनाबे ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाबे इमाम हुसैन के दरमियान जो उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता है, ये वो वाला रिश्ता नहीं है। ये जो दुनियावी रिश्ते होते हैं कि जहां एक मोहब्बत या डिग्री की एक गरीब शक्ति मोहब्बत मानियत के ऊपर मुश्तक है, कमाल के ऊपर मुश्तक है, दोनों का मासूम मुश्तक है और वो मासूम के साथ है। हुसैन अल्लाह को अपना मासूम करते हैं, ज़ैनब भी अल्लाह को मासूम करते हैं। हाँ एक मासूम के मुतअद्दिद आशिक तो हो सकते हैं, लेकिन एक आशिक के लिए जरूरी देता है कि मुतअद्दिद मासूम करते हो। और ये रहा एक मासूम के चाहने वाले, इश्क करने वाले, उससे मोहब्बत जताने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान अगर वो ये दावा करे कि मैं ये भी मासूम है, वो भी मासूम है, वो भी मासूम है, तो हर हाल में ये नहीं कहा जाएगा कि इनका कौन हकीकी मासूम है, किस हद तक ये इश्क करते अल्लाह से सैयद शोदा हुसैन भी इश्क करते और जनाब ज़ैनब भी। चुनांचे ये आशिक और मासूम का जो रिश्ता है, इस राबते को करने कैसे रहे और इस तनाव में करवा दी ये करवाला मैं इस अपने उरूज के ऊपर है, बाँ में उरूज के ऊपर है। एक आशिक जो कुर्बानी पेश कर सकता है, जिस तरह से माशूक के सामने फरा हो सकता है, कुर्बान हो सकता है, वो सारे मराहिल करवाला में जमा हो चुके। अगर मासूम चाहता है कि वतन को छोड़ दिया जाए तो मासूम की मोहब्बत वतन को छोड़ दिया जाए, अगर मासूम चाहता है कि उसकी खातिर सफर इख्तियार किया जाए तो मासूम की खातिर सफर को इख्तियार किया जाएगा, अगर मासूम चाहता है कि राह की सहूलतों और दुश्वारियों और परेशानियों को बर्दाश्त किया जाए तो इन परेशानियों को भी बर्दाश्त किया जाए, अगर मासूम चाहता है कि तीन दिन प्यास को बर्दाश्त किया जाए, भूखा रहा है तो भूखो प्यास को भी बर्दाश्त किया जाए, अगर मासूम चाहता है कि अस्हाब को कुर्बान कर दिया जाए तो दोस्तों को कुर्बान कर दिया जाएगा, कोई मोहब्बत मासूम की मोहब्बत के मौके नहीं लगती। अगर मासूम चाहता है कि औलादों को उसकी राह में कुर्बान किया जाए तो औलादों को भी कुर्बान कर दिया जाए, मासूम की खातिर आशिक ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब
जब इस आशिक के सरोतम में जुदाई पैदा हो चुकी है, अब कौन है कि जो इस आशिक की जनाजे को माशूक की बारगाह में पेश करे। लिहाजा इस फरीजे को एक अमीन अंजाम देगा। कौन अमीन? ये जो आशिक का भी अमीन है, माशूक का भी अमीन है। लिहाजा हुसैन के लाशे को शाम दरिमा में इस अमीन जहन में उनकी बातों पर उठाया। शायरी कहती है कि जब बच्चे थक के सो चुके थे तो मख्तल में सेना पहुंचती उस नशेब के नजदीक के जहां के ऊपर हुसैन का नाशा पड़ा हुआ था। Mm-hmm.